सो गाइज, इस वीडियो में आपसे बात करूंगा नेटवर्किंग के एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है पिंग कमांड। पिंग कमांड क्या है, कैसे काम करती है, बहुत सारा डाउट्स रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो मैंने जहां तक देखा, बहुत सारे लोगों से जब भी सवाल हुआ या इंटरव्यू वगैरह में जहां कहीं भी मैंने फेस किया, तो लोगों को एग्जैक्टली पिंग का मतलब नहीं पता होता है। वो सभी लोग जानते हैं कि दो कंप्यूटर को आपस में रिप्लाई लेने के लिए करते हैं, दैट इज अनदर थिंग कि हाँ चलो ठीक है, रिप्लाई लेने के लिए आप कर रहे हो, लेकिन उसकी कुछ डिटेल बताओ, उसके बारे में कुछ बताओ। सो नोबडी हैज एनी आंसर, किसी के पास कोई आंसर नहीं होता है। सो गाइज, इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आपको नेटवर्किंग में पिंग कमांड का यूज दो कंप्यूटर को रिप्लाई लेने के साथ और किस किस लिए करते हैं, ये बिल्कुल भी क्लियर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जो भी आपको क्वेरी क्वेश्चंस है वहां पे आप कर सकते हैं, एंड देन आप वहां से मेरे से लाइव बात कर पाएंगे। प्लस गाइज, यहां पे भी वीडियो को कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, आप लोगों का सपोर्ट प्यार मुझे भी मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छे और भी कंटेंट को डिजाइन करने के लिए। सो क्यों ना यहाँ पे हम लोग बात करें गाइज की पिंग कमांड, जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पिंग, ये किस लिए यूज किया जाता है। गाइज, ये बिजनेस आईडी वगैरह है, अगर किसी को किसी भी बिजनेस आईडी बिजनेस रिलेटेड कॉन्टेक्ट करना है सो कर सकता है। पहली बात, सबसे पहले मैं बता दूं व्हाट इज पिंग, पिंग क्या है। सो गाइज, पिंग स्टैंड फॉर होता है पैकेट इंटरनेट ग्रुपर। अभी मैं यहाँ पे लगभग मैं चार पॉइंट कवर करने वाला हूँ। सो सबसे पहला पॉइंट हमारा है, पिंग इज अ कंप्यूटर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर यूटिलिटी used to test the reachability of a host on the internet protocol network. एक तरीके का host की reachability check करने के लिए use करते हैं। It is available for virtual all operating system that have networking capability, include most embedded network administrator software. एक तरीके का ये virtual हर एक operating system के अंदर available होता है, जिसके through हम लोग ping करते हैं। Ping stand for packet internet grouper होता है। और गाइज, यहाँ पे द पिंग कमांड ऑपरेट्स बाय सेंडिंग इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, यानी कि पिंग कमांड जो होता है ऑपरेट होता है आईसीएमपी मैसेज को सेंड करके। एक तरीके का इको मैसेज होता है जो किसी भी डेस्टिनेशन होस्ट से रिप्लाई लेने के लिए यूज किया जाता है। गाइज, ये तो सभी को पता होगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करता हूँ आईसीएमपी। आईसीएमपी मतलब होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, यानी पिंग कमांड जब हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजते हैं तो वहां से क्या होता है, एक आईसीएमपी मैसेज जनरेट होता है जो कि डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर पहुंचता है और वहां से कुछ डेटा लेकर आता है। इट इज अ रिक्वेस्ट मैसेज टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर, ये एक रिक्वेस्ट मैसेज है। और इधर से भी अगर मैसेज का रिप्लाई आ जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि बोथ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर। बात होती है यहाँ पे पिंग स्टैंड, सॉरी पिंग जो भी होता है सेंड करता है दो तरीके के पैकेट को, यही मैं बात कर रहा था गाइस की पिंग का। तो बेसिक सभी को पता है कि पिंग रिप्लाई लेने के लिए आईसीएमपी मैसेज जनरेट करता है, इको मैसेज होता है, बट कैसे हाउ, यहाँ पे सवाल होता है कैसे ये काम करता है। सो उसी के बारे में यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर बात करें दो मैसेजेस जो सेंड करता है, पहला है आपका आईसीएमपी एंड दूसरा मैसेज आपका एआरपी। बिल्कुल हाँ, पहले नंबर पे आईसीएमपी एंड सेकेंड नंबर पे एआरपी जनरेट होता है। अब गाइस चलिए, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही बारीकी से समझिएगा एंड प्रॉपर आप उसको समझ जाएंगे कि कैसे पिंग कमांड काम करता है। तो चलो यहाँ पे एक डायग्राम मैं डिजाइन करता हूँ और एक एनिमेशन दिखाता हूँ कैसे पिंग कमांड काम कर रहा है। सबसे पहले मैंने एक कंप्यूटर लिया गाइस, एक होस्ट लिया और मैंने एक और कंप्यूटर लिया, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फिर मैंने दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया। सभी को पता है दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए अगर सेम डिवाइस है तो दूसरी केबल एंड डिफरेंट डिवाइस है तो अनदर केबल का यूज करते हैं। गाइज ये मुझे कमेंट करके बताएंगे, अगर हमारे पास पीसी टू पीसी है यानी कि सेम डिवाइस है तो कौन सी केबल लगेगी, और अगर पीसी टू स्विच है तो कौन सी केबल लगेगी, ये आप लोग मुझे बताएंगे क्योंकि मैंने नेटवर्किंग और सीसीएन ने बहुत कुछ पढ़ा रखा है। सो आपका यहाँ पे जवाब मुझे चाहिए, कमेंट करके बताएं। यहाँ पे मैंने केबल का नाम इसीलिए नहीं लिया है। सो ये आपका टास्क है, जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप नेटवर्किंग एक्सपर्ट हैं तो आपका कमेंट जरूर मुझे मिलेगा। उसके बाद मैं बात करता हूं यहां पे कि पहले कंप्यूटर पे मैंने एक आईपी एड्रेस असाइन किया जो कि है 1000 की रेंज में, 1000
100, ओके। फिर मैंने यहाँ पे दूसरे वाले कंप्यूटर पे एक मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया जो कि है 10.0.0.200। अब दोनों कंप्यूटर को मैंने क्या किया, पिंग मैसेज किया। यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर के कमांड प्रॉम्प्ट पे गया और मैंने सिंपल लिखा पिंग, और पहले कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल ये जो है ये पहले कंप्यूटर पे मैं हूँ और यहाँ से मैं कमांड यूज कर रहा हूँ पिंग स्पेस 10.0.0.0.200। तो तुरंत यहाँ पे एक लास्ट में TTL करके मैसेज आता है, TTL 128 ऐसे कुछ भी करके आता है, और आप समझ जाते हो कि यस माई कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू डेस्टिनेशन कंप्यूटर। लेकिन सुनो गाइज, यहाँ पे जो हम लोगों का मैसेज जनरेट होता है वो एक मैसेज जनरेट होता है एंड साथ में एक और मैसेज जनरेट होता है जैसे ही आप पिंग कमांड एग्जीक्यूट करते हो। प्रैक्टिकल पार्ट देखना है तो इसी के जस्ट बाद जो CCNA पे वीडियो अपलोड होगी ना गाइस, उसमें मैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट दिखा दूंगा। फिर यहाँ पे पहला जो मैसेज मेरा होता है, बिल्कुल मुझे इसी चीज को बताना था, यहाँ पे जो पहला मैसेज पिंग के समय जनरेट होता है दैट इज ICMP एंड जो सेकेंड मैसेज जनरेट होता है दैट इज ARP। सो आपको क्लियर हो गया होगा, यही हमारा पिंग कमांड का मतलब होता है। गाइज अब कोई भी इंटरव्यू होता है ना तो बिल्कुल भी उसको क्रैक करके आना, इस चीज से रिलेटेड कभी भी फंसना नहीं है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था सेम डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, कमेंट करके जरूर बताएं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें एंड सपोर्ट करें। थैंक यू।